वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे, तो आप सबको गुड मॉर्निंग एंड हरे कृष्णा। सो लेट्स सी आज का क्या प्लान है क्या नहीं होता है। वैसे भी मेरा मन तो नहीं कुछ करने का आज, वैसे ना मुझे खाना बनाने का मन ना कुछ याद नहीं जा सकता, मुझे कोई खाना बना के ले जाए आज। लेट्स सी क्या होता क्या नहीं होता, तो मिलता हूँ आप सबको थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय, मैं थोड़ा सा सो तो प्रभु जी आ गए हैं, बस नीचे आने वाले हैं। तो उन्हें मैंने डाई लोकेशन भेजा, तो उन्हें घर नहीं मिल रहा था। सो मैं जा रहा हूँ अभी प्रभु जी के साथ, तो आप सबको मिलता हूँ थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय, और लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। क्लास से तो आपके साथ उसके ग्लिम्प्स शेयर करूँगा कैसे हम लोग संडे फीस्ट करते हैं एंड ये सब चीज़ें होंगी। तो लेट्स सी, तब तक के लिए बाय बाय। तो प्रभु जी का मेरी लोकेशन जो मिली, वो पता नहीं कहाँ पर पहुँच गए और वो पता नहीं यहीं पे थे, पता नहीं वो 7 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, नहीं 7 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, 7 मिनट पहुँचने के लिए बता रहा है। पता नहीं कहाँ चलेगा प्रभु जी। अभी मैंने क्या किया, मैंने मेरी बिल्डिंग की लोकेशन भेजी है व्हाट्सअप पे। अगर करंट लोकेशन भेजता ना हमेशा ऐसे गड़बड़ होती है। तो अभी देखते हैं कब तक आते हैं प्रभु जी। वेट कर रहा हूँ मैं प्रभु जी की बाहर गड्डी की अपने, कि पहुँच जाएँ वो। और मुझे टेंशन भी हो रही है, वो इतनी लेट हो रहे हैं मेरे कारण, क्योंकि मुझे उन्हें फूल मंडी में मिलना था, तो मैं थोड़ा लेट हो गया घर से निकलने के लिए। तो प्रभु जी बोलते कि रुक जाओ, तो मैं वहीं आ रहा हूँ कि मैं तुम्हें लेके ही जाता हूँ। तो मेरे कारण वो और ज़्यादा लेट हो गए मुझे ढूंढने के चक्कर में। यार मुझे पता, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे ना। तो अभी लेट सी, सोच रहा हूँ प्रभु जी जल्दी पहुँच जाए, टाइम से पहुँच जाए, मेरी बिल्डिंग का रास्ता मिल जाए, होप सो। क्योंकि मेरी बिल्डिंग का जो मैंने अपनी बिल्डिंग की लोकेशन भेज तो दिया उन्हें, तो लोकेशन तो सही रहती है, तो लोकेशन सही है तो पहुँच ही जाएंगे ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक लगता है। तो लेट सी, आप सबके साथ शेयर करूँगा। वैसे मेरे साथ अगर कोई कांड ना हो दिन में, तो कहाँ दिन मेरा पूरा होता। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। हम आए हैं फूल मंडी में फूल लेने के लिए। सो अभी मैं दिखाता हूँ आप सबको फूल, और दिखाता हूँ आप सबको ये फूल मंडी कैसी है किसी में। तो फूल मंडी में आया तो दिखाता हूँ सबको क्या क्या है यहाँ पर। सो यहाँ पे सारे फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। ये है माला, और माला खरीद रहे हैं प्रभु जी, और मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो यहाँ बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गार्डलैंड्स हैं, मतलब कि देख के बहुत मज़ा आ रहा है। देखते हैं ना गार्डलैंड्स, इतने प्यारे प्यारे गार्डलैंड्स हैं यहाँ पे। सो मिलता हूँ आप सबको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी हम आए थोड़ा सा सामान लेने के लिए, तो प्रभु जी के घर पे है क्लास। मुझे प्रभु जी के घर पे है संडे फीस्ट, तो अभी उनके घर पे जाएंगे। अभी उनके घर पे क्लास है, और बाद में डेकोरेट वगैरह करेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो आज का दिन स्टार्ट भक्तों के साथ ही है, तो फीस क्लास का दिन बहुत अच्छा रहेगा। तो मिलता हूँ आप सबको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बताएँ। एंड हेलमेट में कैसा लग रहा हूँ बताएंगे। स्थान पर ये बोला कि ऐसा करो तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे प्राप्त होगे। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं, जिसमें 574 श्लोक जो हैं वो श्री भगवान के मुख से निकले हैं। 574 श्लोक भगवान ने अपने श्री मुख से निकाले हैं, और 84 श्लोक जो हैं वो अर्जुन ने बोले हैं, और 42 श्लोक जो हैं वो संजय ने बोले हैं। टोटल 700 हैं, 700 में से 574 भगवान के हैं, 84। तो अभी मतलब संडे फीस हो गया ख़त्म, तो अभी हम जा रहे हैं घर वापस। तो हमारे साथ बहुत सारी माता जी लोग थी, तो अभी प्रभु जी बता रहे, प्रभु जी बताना क्या हुआ अभी हमारे साथ। सो सुपर DTC ड्राइवर डिड नॉट स्टॉप द बस एट द बस स्टॉप जस्ट बिकॉज वी हैड सम thankful Mataji's with us, and the new policy which DTC is following is that the Mataji's are not supposed to take a ticket, they get a free travel, so they get free tickets. So just because of that the bus driver did not stop the bus, and then we had to wait for another 15 minutes 20 minutes in this scorching heat just to get another bus. ये सब हमारे साथ हुआ है आज। तो आई जस्ट, मैं उस टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं कर सका, इधर मैं ब्लॉगिंग कर सकता। उस टाइम पे अगर मैं ब्लॉगिंग करता तो आप सबको दिखाता कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। We were running just to
make the bus stop and still he did not stop the bus. तो अभी मैं सोच चाहता था कि उसे इंटरनेट पर वायरल हो कि ऐसा हो रहा है, उससे पता लगे, गवर्नमेंट को पता लगे कि क्या कर रहे हैं ड्राइवर डिसीजन के. तो अभी मैं ये पोस्ट करूँगा, अब आप लोगों को पहले शेयर कर देना आगे जाके. तो प्रभु जी आपने नंबर नोट किया था ना उसका, 7076 DL1TC7076. अभी इसकी डायरी कंप्लेंट, प्रभु जी की डायरी कंप्लेंट उसकी. तो अभी आप सबको मिलता मैं घर जाके, तो तब तक के लिए बाय बाय. मेरे पास नोट देखा एकदम से ना, मैं मतलब अंदर चैंटिंग गया था, मैंने देखा बाहर ये क्या हो गया, एकदम से बाजें आनी शुरू हो गई. जब देखा तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, और देखो धूप कितनी निकली और बारिश हो रही है इतनी तेज़. और जब मैं आया था तो इतनी बारिश हो रही है, बट बारिश पता कैसे हो रही है, ये देखो धूप निकली हुई है और बारिश हो रही है. अच्छा लग रहा है, धूप भी निकली है, बारिश हो रही है और मज़ा आ रहा है. सो मैं आके खड़ा हूँ बालकनी में, सो देख रहा था कि क्या हो, एकदम से मैंने सोचा मैं धूप निकली हुई थी इतनी ज़्यादा. मैं आ जाया ना जब गर्मी, मैंने आप सबको बताया कि कितनी गर्मी हो रखी है, तो इतनी गर्मी थी तो मैं बाहर आया एकदम से, मैंने कहा बारिश का क्यों होने लग गई. तो इट जस्ट मतलब बोलते ना हम कि एकदम से हो गया, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वो वाली बात हो गई अभी. सो अभी बारिश हो रही है तो मैं इंजॉय करता हूँ, तो आप सबको मिलता थोड़ी देर में, और मैं चैंटिंग भी कर लूँ. और ऐसे मौसम में चैंटिंग करूँगा मज़ा ही अलग है. सामने बारिश हो रही है और इतना अच्छा व्यू है और चैंटिंग है, हरी नाम है. हरी नाम के बिना तो ज़िंदगी है ही नहीं हमारी, मेरे तो बिल्कुल ही नहीं है. हरी नाम के बिना ज़िंदगी इस बाइक, अब तो ना ऐसा लगता है कि बिना हरी नाम के कि जैसे कुछ किया ही नहीं है लाइफ में. सो हरी नाम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और अगर आप सब लोग भी करना स्टार्ट करोगे, आप सब लोगों की लाइफ में हरी नाम आ जाएगा ना, तब की लाइफ में एक मतलब बोलते हैं ना कि एक्साइटमेंट आ जाएगी. अगर आपको दुख भी होगा ना, दुख में भी खुश रहोगे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, कृष्ण है ना, कृष्ण देख लेंगे सब. सो कृष्णा हमेशा अपने भक्तों के लिए कुछ ना कुछ प्लान रखते, तो इसलिए हरी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. कलयुग में हरी नाम ही सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो इसके बारे में भी कभी आपको बताऊंगा. तो अभी मैं बारिश इन्जॉय कर रहा, और तेज़ हो गया बारिश, तो आपको दिखाता जा रहा. ये देखो बारिश हो रही है, पीछे से दिख रहा है कि हाँ दिख रहा, थोड़ा बहुत दिख रहा है. ये देखो बारिश हो रही है, तो इन्जॉय कर रहा हूँ मैं. तो मिलता हम सबको थोड़ी देर में, तब तक बाय गाइस. सो जस्ट अभी मैंने न्यूज़ सुना दैट अगर हमारे पंजाब का एक सिंगर सिद्धू मूसेवाला, उसकी गोली मार की डेथ, गोली मार दी है उसको और उसकी डेथ हो चुकी है. दिस इज़ रियली सैड न्यूज़ ऑफ द डे. मतलब इंसान का पता ही नहीं है, आज है कल नहीं है, घर से निकला है इंसान सेफ है, घर से अंदर है इंसान सेफ है, कहीं भी नहीं है सेफ इंसान. सो जैसे आज मैं दोपहर में भी आप सबको बता रहा था कि हरी नाम का महत्व, हरी नाम क्या है. सो हमें नहीं पता हम कब तक जिंदा है कब तक नहीं है, तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट ना, हम क्या कर क्या रहे हैं लाइफ में, कि हमें नहीं पता कि आज हम हैं कल हम नहीं हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि हमें थोड़ा सोचना चाहिए हमारे बारे में, कि हम आफ्टर डेथ हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या होने वाला है हमारे साथ. तो वी हैव टू चैंट, क्योंकि ये चैंटिंग ही है जो हमारे साथ जाने वाली है. ना पैसा जाएगा, ना पड़ा हुआ कुछ जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, ना कोई रिश्तेदारी जाएगी साथ में. साथ में जाएगा तो हरी नाम. सो बिना किसी देर के हमें हरी नाम स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आज हमारे सामने लाइव एग्जांपल थी सिद्धू मूसेवाले की. उसे नहीं पता था वो घर से बाहर निकला उसकी डेथ हो जाएगी, हमें भी नहीं पता था कि हमें एकदम से शॉकिंग न्यूज़ मिल जाएगी दैट सिद्धू मूसेवाला इज़ नो मोर. सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हमें क्या करना है अभी लाइफ में, क्योंकि हमें श्योरिटी ही नहीं है कि हम कल हैं, मतलब अब हैं हम, थोड़े टाइम बाद हम हैं या नहीं है, हमें बिल्कुल श्योरिटी नहीं है. सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट, और हमें हरिनाम करना चाहिए, जितना हो सके उतना हरिनाम करना चाहिए. और आई होप सो मैं थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ आप सबको इस बारे में. तो आई जस्ट प्रे फॉर हिम एंड आई विल चैंट फॉर, ऑफ कोर्स आई विल चैंट फॉर हिम. मतलब एक राउंड एक्स्ट्रा उसके लिए करूँगा कि उसे भगवान अच्छी आत्मा को उसकी शांति दे. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर लिसनिंग. आई होप सो थोड़ा बहुत असर हुआ हो आप पे कि हमें हरिनाम क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारे ये हमारी बॉडी की नीड है, हमारी आत्मा की नीड है. ये हमारी आत्मा ही आगे जाएगी, हमारी आत्मा शाश्वत है.
तो वो आत्मा गोलोक में जाए, भगवान के चरणों में जाए, ना कि फिर से बार बार जन्म ले, जरा मृत्यु जरा व्याधि में फंसे फिर से आके। तो आई जस्ट वॉन्ट कि हम सब लोग चैंट करें। चैंट क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एक इतना सिंपल सा मंत्र है जिसे हमें चैंट करना, और इससे आप भगवान के साथ कनेक्शन बना सकते हो। सो प्लीज़ चैंटिंग, और सोचो अपनी लाइफ के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि कल का कुछ कुछ नहीं पता है। सो मिलता हूँ हम सबको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ द गेम ब्लॉग्स, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, दबा दो जाके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, हरे कृष्णा। और आज का दिन अच्छा गया था, बट एंड में आके जो न्यूज़ मिली उसके कारण थोड़ा सा अपसेटिंग हो गया, क्योंकि हम सब लोग उसके गाने सुनते थे, नाचते थे गाते थे उसके गानों पर, बट वो इंसान अब रहा नहीं। सो होता है, अभी दुनिया है, जीना मरना चलता रहेगा। सो मिलता है कल को, तब तक के लिए बाय। हरे कृष्णा।